हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ। और नॉर्मली ऐसा होता है कि आप प्रेशर में होते हो और काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो आपसे करना नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा एग्जाम्स होती है, पढ़ाई होती है, तो बातचीत नहीं हो पाती है, मैं अवॉइड करता हूँ। अब क्योंकि आप फ्री हो, आपके पास कुछ काम धंधा है नहीं, तो एक बात मैं चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो वेटिंग फॉर रिजल्ट्स पीरियड में है या जो बाद में वेटिंग फॉर रिजल्ट्स पीरियड में आएंगे, दिसंबर में, बाद में, कभी भी, तो एक चीज़ आपने सुनी होगी यार, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ अगर आपको बनानी है तो उसमें टाइम लगता है। आपका जो पूरा कोर्स है आप भागते फिरोगे, मतलब टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में या इवन सीए कोर्स में आप लगे रहते हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता अपने आप के ऊपर काम करने का और स्किल डेवलप करने का, ठीक है, कोई भी चीज़ करने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हर स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। और कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई होती है, एग्जाम्स होती है, ट्रेनिंग होती है, कोई ना कोई चीज़ में हम उलझे हुए होते हैं। तो अगर आपको अब अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपके पास अच्छा खासा समय है, अच्छा खासा समय है आपके पास, ठीक है, तो साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड, अभी भी आप, आई डोंट नो, मतलब आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, आप क्या स्टेज पे हो, बट कोई एक ऐसी चीज पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। मतलब एक स्किल या एक कोर कॉम्पिटेंस, टू बी मोर एक्यूरेट, आप बिल्ड करना स्टार्ट करो जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। मतलब अपने अंदर एक ऐसी स्किल आप लाओ जो बाकी कंपनी सेक्रेटरीज में नहीं होंगी, जिसके बलबूते आप कॉम्पीट करोगे, ठीक है। आगे कंपटीशन बहुत आने वाला है, आप कोई भी फील्ड में जाओ, ठीक है, आप जॉब करो, आप प्रैक्टिस करो, आप टीचिंग में आ जाओ, या आप कोई और काम करो, ठीक है, या बिजनेस में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कॉम्पिटिशन हमेशा मिलेगी। और अच्छी बात है, इससे आप ही का फायदा होता है, आप ही का इम्प्रूवमेंट होता है, और कहीं ना कहीं आप लगे रहते हो एक्सेलेंस में, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे मैंने देखा है कि कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी नेचर ऑफ स्टूडेंट कि वो कन्फ्यूज होता है, उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए, कब क्या चीज़ें करनी होती है, टाइमिंग्स क्या है, या क्या चीज़ें सही होती हैं। तो अभी अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो या मे बी आप प्रोफेशनल में हो, ये टाइम बहुत बढ़िया है आपके पास एक कोर कॉम्पिटेंस बनाने का, बस वो आपको आइडेंटिफाई करना है, कोर कॉम्पिटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो कॉर्पोरेट लॉस आपके लिए कोर कॉम्पिटेंस हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका डेप्थ, आपका ड्राफ्टिंग, आपका जो पास केस स्टडीज हैं, जो सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए, या एक आपको ग्रिप होनी चाहिए प्रोसीजरल कॉम्प्लायंस, या जो निटिग्रिटीज होती हैं, न्यूआंसेस होते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ आपको मेरे हिसाब से पकड़ के जिसमें आपका इंटरेस्ट है। देखो प्रॉब्लम यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है ना कि आप एक आध हफ्ता बैठ के, 10 दिन बैठ के नहीं कर पाओगे, इट टेक्स टाइम, नर्चर करना पड़ेगा आपको चीज़ को, ओवर द ईयर्स डेवलप करना पड़ेगा। शुरुआत अभी आप कर सकते हो, शुरुआत जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है, और एक थोड़ा सा एकाद आपका स्ट्रॉन्ग एरिया रखो जहाँ पे आपकी कमांड हो। यस, कंपनी लॉ वो हो ही सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, मैक्सिमम बच्चों की वही होती है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और भी चीज़ें आप सोचो, और बियॉन्ड कंपनी लॉ भी आप सोच सकते हो। बहुत सारे लॉज आपके सिलेबस में है, टैक्सेशन लॉज भी हैं, GST है, सिक्योरिटीज लॉ हैं, इकोनॉमिक लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, बहुत सारे लॉज आपके सिलेबस में है, आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो, IPR में जा सकते हो, इंसॉल्वेंसी में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा फील्ड्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होनी चाहिए। प्रायोरिटी में कंपनी लॉ तो होगा ही, देखो ऐसा कंपनी लॉ तो है ही, मैं कह रहा हूँ और भी चीज़ें आप सोच सकते हो, ठीक है, तो उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, और आपकी वो कोर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए।
उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कोई एक चीज ऐसी पकड़ो, ड्राफ्टिंग भी पकड़ सकते हो, कोई भी चीज पकड़ो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा आगे, जिसपे आपको बहुत ज्यादा काम करना है, और फिर वो मतलब आगे आपको उतना काम वहां पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी सबसे बेस्ट चीज क्या है, आपको कोई एग्जाम पास करने के हिसाब से नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूं, नहीं बोलना चाहिए बट फैक्ट है, सबको दिख ही रहा है, कोई हम वैक्यूम में तो रह नहीं रहे, आधे से ज्यादा बच्चे गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके पास हमेशा सफिशिएंट टाइम नहीं होता है क्योंकि वो वेस्ट कर देते हैं, उनकी प्रायोरिटीज में उनकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है, मल्टीपल कोर्सेज वो कर रहे हैं तो सीएस के लिए उनको टाइम नहीं मिलता, पर्सनल इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जितना डिजायर्ड टाइम आपको पढ़ाई पे देना चाहिए होता आप नहीं दे पाते हो, और इस वजह से होते हैं कॉम्प्रोमाइजेस जो आखिरी दो महीने में होते हैं। और इसलिए आप देखोगे मैं दो महीने आखिरी में टिपिकली बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता हूं, कमेंट्स वगैरह भी ऑफ कर देता हूं, मैं दूर ही रहता हूं, क्योंकि उस टाइम में वही लोग एक्टिव होते हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, जो शॉर्ट ट्रिक्स और ये और वो और उसके फिराक में रहते हैं, तो वो मैं बिल्कुल मतलब मैं रिकमेंड ही नहीं करता। वैसी पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं होता है, एक आध भले आप एग्जाम गलती से लक फैक्टर की वजह से निकाल भी लोगे बट रियल लाइफ में लॉन्गर टाइम फ्रेम में वो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस होगी, मैं बता रहा हूं आपको बहुत बड़ी वीकनेस होगी, आप इतने ज्यादा बुरे फंस जाओगे आगे चल के, आपको बिल्कुल नहीं पता है आपके क्या क्या वीकनेसेस हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता रहेगा, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स होते हैं आगे। इसीलिए बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेस जितना स्ट्रांग बना पाओ उतना अच्छा है, और जो चीज को जितना समय लगता है ना उतना लगता है, इसमें कोई समझ रहे ना बीच का रास्ता नहीं होता है, इसमें कोई 100-200 रुपए लेके कर लो वो वाला काम नहीं होता है जो हमारी आजकल मेंटालिटी बन गई है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट है ये, और मैं काफी बार काफी वीडियोस में बता भी चुका हूं कि ये सब बिल्कुल मुझे भी पसंद नहीं है। अगर आपका सिलेबस वास्ट है, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स कवरेज, इट नीड्स डेप्थ, इट नीड्स रिविजन, इट नीड्स राइटिंग प्रैक्टिस, तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है। मोटिवेशन से ये चीजें सॉल्व नहीं होती है, काफी बच्चे काफी मैं देखता हूँ काफी इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपको मोटिवेट करेंगे, पंप अप करेंगे, पर अगर टाइम ही नहीं है ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी आप कितनी बढ़ा पाओगे, 24 घंटे तो पूरे नहीं पढ़ पाओगे ना, समझ रहे हो। तो वो चीजें एक रेंज होती है कवर अप करने की, एक रेंज होती है, मोटिवेशन डू हेल्प, ठीक है, मोटिवेशन हेल्प करता है बट एक उसका रेंज है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उस दायरे में अगर आप उस रेंज में हो तो आप चीजें कवर अप कर भी सकते हो मोटिवेट रह के और ये सब वो सब करके, बट जब गाड़ी छूट जाती है ना फिर आप कुछ भी कर लो, हार्डवर्क से फिर आप पास नहीं हो सकते। अब कुछ लोग लक फैक्टर से पास हो जाते हैं फिर वो उसको हार्डवर्क बताना चालू कर देते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुद्दे पे वापस आते हैं कि कोर कॉम्पिटेंस ढूंढो, कोर कॉम्पिटेंस ढूंढो, ठीक है। जैसे मैं अपना बता सकता हूं, जैसे मैंने क्या क्या कोर कॉम्पिटेंस बनाए थे, जैसे मैंने मेरा हमेशा से प्रैक्टिकल ज्यादा स्ट्रांग रहा है क्योंकि आप सीए में प्रैक्टिकली ज्यादा है तो आपके पास चॉइस भी नहीं है, तो मेरा अकाउंट्स काफी स्ट्रांग है, मेरा कॉस्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टैक्सेशन काफी बच्चों को नहीं पता है, मैं 5 साल इनकम टैक्स पढ़ा चुका हूँ और 1-8 साल मैं जीएसटी भी पढ़ा चुका हूँ, तो टैक्सेशन भी मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट रहा है, एफएम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, तो वो मैंने स्ट्रांग बनाए हैं प्रैक्टिकल चीजें करके। उसमें आर्टिकलशिप में मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा मैं अपडेटेड रहता हूँ उसके बारे में, पढ़ते रहता हूँ, फ्रेंड्स हैं मेरे जो उस फील्ड में काम करते हैं तो थोड़ा मैं कनेक्टेड रहता हूँ, तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट रहता है हमेशा। फिर मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है टाइपिंग स्पीड मैंने अपना एक कॉम्पिटेंस बना के रखा था कि यार प्रोडक्टिविटी में मैं बाकी लोगों से थोड़ा सा फास्ट रहूँ, एक नॉर्मल जो बिना टाइपिंग वाला कोई बंदा आएगा तो वो स्लो रहेगा कंपैरेटिवली, मैं जब काम करूं तो मैं फास्ट काम करूं। और मैं बता नहीं सकता आपको बड़े बड़े MBAs से भी ज्यादा प्रोडक्टिव मैं रह चुका हूं, मेरे टीम में सबसे फास्ट काम करने वाला मैं रहा हूं। आर्टिकलशिप के दौरान जब मैं खुद का ऑफिस सेटअप किया था, मैंने जॉब किया, मैंने हर जगह मैं मेरी स्पीड एक टीम में हमेशा अलग एक मेरा कोर कॉम्पिटेंस रही हुई है। ऐसे आप बहुत सारे सोच सकते हो, एट द सेम टाइम आपको अपने वीकनेस भी कवर करने, क्योंकि अगर आप वीकनेसेस को खुला छोड़ दोगे तो फिर आप
स्ट्रेंथ्स को भी ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लिश स्पीकिंग पे आप काम कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग आपका बहुत बड़ा वीकनेस हो सकता है अगर आप एक मीडियम सिटी से हो, ज्यादा इंग्लिश आपने ज्यादा बातचीत नहीं की है, आप इंग्लिश से डरते हो बहुत ज्यादा, अगर खौफ है आपके मन में इंग्लिश का, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया समय है, मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया समय नहीं मिल सकता। अगर कोई बंदा अभी भी रेडी नहीं है अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए, बिलीव मी आप बाद में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना फुर्सत वाला समय आपको नहीं मिलेगा बाद में। बाद में बहुत लंबा है काम, ट्रेनिंग है, पता नहीं कितने ट्रेनिंग्स हैं, EDP, और फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, फिर आपका CLDP आएगा, फिर हालत खराब हो जाएगी कि यार इंटरव्यू देना है, तो फिर इंटरव्यू की तैयारी करो, रेज्यूमे बनाओ, ये वो, इतना सारा उलझ जाओगे ना, आपको इंग्लिश पे काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। और इंग्लिश दो चार दिनों वाला काम नहीं है, दो चार दिनों वाला बिल्कुल भी काम नहीं है। इट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, ग्रामर सुधारना पड़ेगा, कोई एक फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा जिनसे आप इंग्लिश में रोज बात कर सको, या अपने आप से ही मिरर में बात करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप बात कर पा रहे हो कि नहीं, आप सेंटेंसेस कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, आप स्टक तो नहीं हो रहे हो, स्टक हो रहे हो तो आपका वोकैब आपको लिख के देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें लिख के देखनी पड़ती है एक्चुअली, भले बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग होती है पर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। डे टू डे क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं, कोई भी नया बंदा मिलता है तो उससे क्या बातें करोगे, तो हर चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कोई नया बंदा मिला तो मुझे क्या पूछना है, पहले हिंदी में सोचो, फिर कन्वर्ट करो, फिर धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और अभी एकदम सही समय आपके पास। तो कोई ना कोई, मैं कह रहा हूं, कोर कॉम्पिटेंस हमेशा आप बनाइए। जब आप जॉब में जाओगे, आपको 3-4 ऐसी चीजें चाहिए जो आपके रेज्यूमे में अलग से दिखेंगी और आपके इंटरव्यू में भी दिखेंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द रेज्यूमे, बट वो आपके बातचीत में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके वे ऑफ स्पीकिंग में वो दिखेगा, आई ख्याल में। तो प्लीज मैं कह रहा हूं, जो भी बंदे, जो भी बच्चे अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट इंग्लिश पे काम कर लो, ठीक है? बाद में आप अपने आप को थैंक यू कहोगे। जैसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ कि यार वो मैंने लास्ट शर्म छोड़ के एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन में गया हूं। जब भी मैं देखता हूं ना, आज मेरे जितने भी कोर कॉम्पिटेंस हैं, एक भी ऐसी नहीं है जो मेरे कंफर्ट जोन से आई हो। बिलीव नहीं करोगे आप, जितने भी काम मैं आज करता हूं या जो भी मेरे में अच्छाइयां आपको दिखती होंगी, वो सब मैंने कई साल पहले, मैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन गया था और तब जाके वो चीजें डेवलप हुई थी। इसीलिए कह रहा हूं, जो मैं पास्ट का एक्चुअली जो एफर्ट मैंने लिया था उसका मैं अभी फल खा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ कर रहा हूं, मैंने पिछले 7-8 साल से इंग्लिश पे कभी काम नहीं किया, बट मुझे मेरी आज फटती नहीं है। कोई अगर बातचीत करना चाहे या कोई मुझे इंटरव्यू भी आज देना पड़े या इंग्लिश में किसी से बात करना है, स्पीच देनी है, मेरी हालत खराब नहीं होती है। मैं बता नहीं सकता मेरी स्टार्टिंग में क्या हालत होती थी, शिवरिंग होती थी बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूं मैं कि क्या हालत होती थी, बट काफी लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उनकी वो हालत होती है। तो वो सब अब नहीं होता, जबकि मैंने काफी सालों से कुछ नहीं किया है, बट बिकॉज मैंने CA बनते समय, CA बनने के बाद काफी उस पर एफर्ट लिया है, तो वो आज एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बन गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आपको भी आज कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्यूचर में उसका फायदा होगा। अभी अगर आप सिर्फ अटेम अटेम खेलोगे और आप उलझ के रह जाओगे और कोई आप कोर कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं करोगे, आपको फिर बहुत आगे बहुत मतलब प्रॉब्लम होगी, आप फिर इन चीजों में फिर कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा। आपके बिहाफ पे मैं जाके इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, आपके बिहाफ पे मैं टीम में आपके लिए काम नहीं करूंगा, समझ रहे? काफी चीजें ऐसी है ना, यू कैन नॉट डेलीगेट, आपको ही करनी पड़ती है। तो उस पर फटाफट काम कीजिए, ठीक है? बहुत ज्यादा सीरियसली मैं ये चीजें कह रहा हूं, मैं सीरियस लेता ही इसलिए हूं ताकि आप हर पॉइंट मेरा ध्यान दो, क्योंकि मजाक मस्ती में ना लोगों को लगता है कि यार ये तो मजाक मस्ती करता है, हर दूसरी चीज ऐसे ही बोलता होगा, तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। काफी रीजन इसलिए भी है कि मैं सीरियस रहता हूं या टू द पॉइंट बात करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट करूं या बहुत सारा ऑफलोड कर दूं आपके ऊपर और आप फिर मेरी एक भी बात ना मानो। मैं चाहता हूं बस जो एकदम मेन चीजें हैं, जिससे मेक और ब्रेक वाली चीजें होती है ना, मैं वही चीजें आपको कहता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें, मैं भी रोज लाइव आके आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स आपको दे सकता हूँ, बट उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज होते जाती है, डिमांड सप्लाई का ही गेम होता है। तो थोड़ा सा मुझे सप्लाई इसलिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, और जो बिल्कुल
इंपॉर्टेंट चीज है और जो मैं चाहता हूँ बहुत सीरियसली बच्चे उसको सुने और उस पर एक्चुअली कुछ काम भी करें, सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स इससे कुछ नहीं होता। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ, मैं खुश हो जाऊंगा चलो बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया, कुछ लोगों ने शेयर कर दिया, ये वो कुछ पोस्ट लिख दिया, कोई फायदा नहीं है अनलेस वो चीज आप इंप्लीमेंट ना करो। अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो मुझे फिर उसका प्रोग्रेस बता रहे हो, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा खुश करती है। काफी बच्चे ऐसा करते हैं और बता नहीं सकता मैं मनी मन बहुत मैं खुश होता हूँ कि चलो यार कुछ तो टीचर वाला काम किया है, इन्फ्लुएंसर वाला काम नहीं करना है, टीचर वाला काम करना है, रियल चेंजेस लाने हैं आपके अंदर, रियल इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर लाने हैं, जो आपको 2-4-5 साल बाद आपको समझेगा कि यार ये सर ने कहा था मैंने किया था और मुझे आज तक फायदा हो रहा है। जैसे मैं आज अप्रिशिएट करता हूं चीजों को, वैसे ही आप 2-4 साल 5 साल बाद अप्रिशिएट करोगे। तो बस मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप अपना कोर कॉम्पिटेंस पे सोचोगे, ठीक है, सोचना चालू कर दो, एटलीस्ट सोचो कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ कॉमर्स प्रोफेशनल, एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आप एज अ प्रोफेशनल अपना क्या कोर कॉम्पिटेंस रखना चाहते हो और फिर उसको कैसे डेवलप करना चाहते हो, आप कैसे काम करोगे, क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा, कुछ टाइम फ्रेम आप सेट कर लो और उस पर काम करना अभी स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये भी एक साइड एक्टिविटी है, दिन भर नहीं बैठना है, दिन में बस 1-1.5 घंटा आपने निकाल लिया, 1 घंटा भी निकाल लिया और कंसिस्टेंटली इसको आप साइड में काम करते रहे, मैं बता रहा हूं इट विल डू वंडर्स, इट विल डू वंडर्स टू योर पर्सनल इमेज, पर्सनल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको अपने आप में दिखेगा। तो काफी उम्मीदें हैं आपसे, ठीक है, कि आप इस पे काम करेंगे और एटलीस्ट वादा करो कमेंट बॉक्स में कि आप इसके बारे में सोचोगे, इसके बारे में सोचोगे और इसके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बड़ा डिसीजन आप लोगे कि आपको अपने करियर में क्या कोर कॉम्पिटेंस बनाना है और क्या बनाना है और उसके पीछे कैसे आप लगोगे, मुझे सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे रियल फॉलोअर हो और आप जेन्युइनली काफी समय से फॉलो कर रहे हो और आप मेरी बातें मानते हो, डू कमेंट एंड टेल मी कि आपको क्या, आप क्या सोचते हो इस बारे में और आपने पहले कभी सोचा है या ऑलरेडी आपने इस पे किसके बारे में सोच लिया है और आप ऑलरेडी वो काम स्टार्ट कर चुके हो। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।